हाय एवरीवन, दिस इज अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो गाइस, अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डी ट्रिप्लस बी टीजीटी मैथ्स को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे क्या स्ट्रेटेजी ली जाए, किन बुक्स से स्टडी की जाए। सिलेबस की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है और कौन सी बुक आप ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बुक्स से। सो सबसे पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बता देती हूँ। एज यूजुअल 9th, 10th, 11th and 12th, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सिंपल एक बुक बता रही हूँ। आई थिंक दैट इज इनफ। वैसे तो जो भी बुक आपके पास है वो इनफ है, कहीं ऐसा कुछ बाहर से हवा नहीं आता इस पेपर में कि आप लोगों ने, मतलब किसी ने अगर कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ी है तो उसको लगे कि भाई मैंने आरडी शर्मा नहीं पढ़ी तो मेरा क्वेश्चन पेपर आरडी शर्मा में से बनेगा या पेपर कॉम्प्रिहेंसिव में से बनेगा या एनसीईआरटी में से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव, एलिमेंट और आरडी शर्मा कोई भी एक बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास एनसीईआरटी है तो मेरी एडवाइस है कि आप आरडी शर्मा की बुक ले सकते हैं, ठीक है। आरडी शर्मा की बुक जो 9th, 10th, 11th, 12th की सिलेबस, मतलब सब्जेक्ट की बुक होती है आरडी शर्मा। आरडी शर्मा की दो तरह की बुक है, एक आपके पास होगी आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई, मेरी ये फेवरेट बुक है। और इसमें से मैं आपको बता सकती हूँ ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, इसमें भी आपके पास एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। दोनों में से अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन ये बुक नहीं है ना ये है तो कौन सी परचेज करें, तो बच्चे ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारे सिलेबस को थोड़े टाइम में कवर कर सकते हो क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही चैप्टर को दो महीने तक आप कवर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको लगेगा ये भी करूं ये भी करूं, तो उसमें आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देंगे। छोटी बुक और कंटेंट भी और क्वेश्चन भी, तो वो मेरे हिसाब से है आरडी शर्मा सिलेबस की जो बुक है दैट इज़ इनफ। अगर आरडी शर्मा का कंसेप्ट आप पढ़ लो, क्योंकि कंसेप्ट दोनों में सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्वेश्चंस आपको इसमें भी मिल जाएंगे बैक एक्सरसाइज में एमसीक्यू की फॉर्म में, बट इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए अगर आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो, लेकिन इसको पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी है वो आपने ध्यान से करनी है, एक चैप्टर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है भाई। एक ही ऑप्शन है आरडी शर्मा, आरडी शर्मा। अच्छा, ये जो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव है ये आपको दो वॉल्यूम में मिलती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। इसमें सारा आपका 11th और 12th कवर होगा। 9th, 10th के लिए आपको यही दो बुक्स इसकी पढ़नी पड़ेंगी। अगर ये दो नहीं है, 11th, 12th के लिए आप ये बुक ले रहे हो, तो 9th, 10th के लिए आरडी शर्मा अगर नहीं है तो आप वहाँ एनसीईआरटी भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए 11th, 12th, 9th, 10th सब, तो आप आरडी शर्मा भी फॉलो कर सकते हो सिलेबस वाली बुक। ये उन बच्चों के लिए जो कम बुक, प्रेशर थोड़ा कम लेकिन काम ज़्यादा, इसमें और इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं लगता, सिर्फ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इस बुक में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। बाकी जो डी ट्रिपल एस बी का लेवल है ना, यकीन मानिए कि अगर ये बुक्स आपने 9th, 10th, 11th, 12th की पूरी सॉल्व कर ली और अच्छे से पढ़ ली ना, तो आपका सिलेक्शन डन है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आप कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए मैंने आपको बताया था, वैसे तो इसमें काफ़ी टॉपिक है, लेकिन एक आपकी ग्रेजुएशन की जो बुक है जिसमें वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन में बुक्स लगी है, जीवन संस की या लक्ष्मी पब्लिकेशन की कोई भी बुक आपके पास रखी है, बुक आपको वही उठानी पड़ेगी। इसके लिए कोई स्पेशल मार्केट में अलग से बुक नहीं है और ना लेना, ठीक है। जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में बुक्स पढ़ी है वही आपने इसको उठाना है। दूसरा, नंबर थ्योरी ज़रूर करनी है। नंबर थ्योरी की जो बुक है, कुछ कॉलेजेस में शायद प्रोग्रामिंग इन सी होता था, कुछ में नंबर थ्योरी, तो जिनके पास नंबर थ्योरी नहीं है वो नंबर थ्योरी ज़रूर ले लें अपने किसी भी फ्रेंड से जो ग्रेजुएशन कर रहा है। तो एक तो आपकी वेक्टर वाली हो जाएगी और एक आपकी ग्रुप वाली, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपने ये सारी बुक कर दी लेकिन इसको ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इनमें ज़्यादा डीपली मत जाना, सिर्फ हर थ्योरम की स्टेटमेंट, रिजल्ट,
एज अ रिजल्ट आप एक नोट्स बनाते जाना और वो लिख देना। ये सारा आपको काम सिर्फ एक हफ्ते का ही होगा, पूरी ग्रेजुएशन उसमें कंप्लीट हो जाएगी। इस ग्रेजुएशन में कुछ वेक्टर का पोर्शन भी है, मतलब कहने का कि ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन की बुक से ही करना है, इसमें कोई अनदर ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से कमेंट में कभी पूछ रहे थे कि मैम कौन से कोचिंग सेंटर से हम कोचिंग लें, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, बेस्ट कोचिंग वही होती है, हम कहते हैं हम अपना बेस्ट देते हैं, तो वही है, मैं बेस्ट दे रही हूँ अपना। अचीवर अकेडमी ऐप पे आपको कोचिंग मिल रही है, DSSB, TGT मैथ्स के लिए, HTET, TGT, PGT सब कोर्स वहाँ अवेलेबल हैं, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा मैंने फोर्स से एक अच्छा सा अपना कोर्स सेट किया है। बहुत सारे बच्चों की हेल्प करना है, किस वजह से, ताकि बच्चों को जो ये मौका मिला है ये उनका ना बेकार जाए, इसलिए वहाँ पे एक ऐसा कोर्स मैंने सेट किया है ताकि आप लोगों की बहुत से बहुत ज़्यादा जितना हो सके मैं हेल्प कर सकूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो, कोई यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, बट मैं यहाँ दो स्टूडेंट्स की कैटेगरी समझती हूँ। एक तो वो जिन्होंने बहुत बार अटैम्प्ट कर चुके हैं एग्ज़ाम को, या तो DSSB का हो या HTET हो, ठीक है, और दूसरे वो जो फ्रेशर हैं। फ्रेशर बच्चों को अगर ये लगता है कि उनमें पोटेंशियल है, भाई उन्होंने तो जस्ट अभी ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो उनको सब याद है, 11th 12th का भी याद है, तो वो कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ठीक है बच्चों, आप लोग ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट 3 या 4, मैं तो कहूँ कोई 2 अटैम्प्ट भी अगर कर चुका है किसी भी एग्ज़ाम के लिए और उसका क्लियर नहीं हुआ, तो मेरी उसको ये एडवाइस है कि वो कोर्स खरीद ले। सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई हमने अपना कोर्स बेचना है, वो इसलिए बच्चे क्योंकि आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। अगर आपने ये नौकरी का मौका खो दिया तो नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट ईयर ही वैकेंसी मिल जाएंगी, बात समझ रहे हो। वैकेंसी क्या पता कितने टाइम बाद आए, 2 या 3 अटैम्प्ट आप दे चुके हो, आपका क्लियर नहीं हुआ, तो अब आपको एक रेगुलरिटी की ज़रूरत है। कोर्स लेने का फ़ायदा क्या है और ना लेने का क्या फ़ायदा है, एक मैं आप बच्चों को ये क्लियर कर देती हूँ। आई थिंक बुक्स का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये बहुत एक सही मायनों में बिल्कुल सच्ची सलाह दे रही हूँ मैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। DSSB के लिए इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये एक जॉब है, ये कोई आपके जस्ट एक क्वालिफिकेशन टेस्ट नहीं है, इट्स अ जॉब, तो गिव योर 100%, ठीक है। देखो भाई, कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या लगता है, आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिलती है। एक तो हम खुद से पढ़ें, ठीक है, कंसेप्ट खुद से क्लियर करें, नहीं समझ आ रहा तो उसको डाउट में रख के चलें, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे और क्या है, आपकी रेगुलरिटी बनेगी, आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, आप पे एक चेक रहेगा कि आपको करना है, दूसरा आप में एक कंपटीशन की फीलिंग रहेगी कि अच्छा भाई मेरे साथी हैं जो बाकी, वो टेस्ट इतना अच्छा दे रहे हैं, वो टाइम से दे रहे हैं, मैं थोड़ा लेट दे रहा हूँ। खुद से जब हम लोग पढ़ते हैं ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, खुद से पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3रे दिन बुक से दूर, 4थे दिन कोई घर में मेहमान, 5वें दिन कुछ और, 6ठे दिन किताब उठाई तो 2 दिन जो पढ़ा था वो सब फेल। कोर्स लेने का सिर्फ एक यही फ़ायदा रहता है, उसमें एक रेगुलरिटी बनी रहती है, टाइम टू टाइम आप लोगों के डाउट सेशन, आप लोगों की टेस्ट वगैरह सब हमारे ऐप पे लिए जाते हैं। हमारा जो ऐप है अचीवर्स एकेडमी ऐप, ठीक है, ये आपका बाय निशा मैम, ठीक है, निशा मैम हमारी डायरेक्टर हैं इस ऐप की, तो इस ऐप पे आपको DSSB, TGT मैथ्स, PGT मैथ्स, HTET बहुत सारे कोर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा कोर्स नहीं ले रहा तो वो कौन से चैनल से स्टडी करे या कैसे करे, तो मेरा अपना एक चैनल मैंने अभी शुरू किया स्पेशल DSSB के लिए, मैथ्स अचीवर्स बाय अंजू मैम, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पे मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए DSSB के लिए कोचिंग देती रहूँगी, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बट कोर्स लेने का फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को है जिन्होंने अपने लाइफ में 2 अटैम्प्ट कर लिए और ये उनका 3रा हो, तो भाई एक एडवाइस है,
पहली बात तो आपने एज क्राइटेरिया भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए गवर्नमेंट कितने टाइम बाद वैकेंसी निकाल रही है, आपको ये मौका कब मिलेगा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आपको मौका मिल भी जाए तो आपके कंपटीशन में कितने और लोग हैं जो एमएससी पास आउट हो जाएंगे, जो सीटेट क्लियर हो जाएंगे। सो इट्स ऑल ऑन यू, इट्स नॉट अ कंपल्शन, ठीक है। अगर आपको मेरी सलाह सही लग रही है तो बिल्कुल लीजिएगा, अदरवाइज इट्स नॉट अ कंपल्शन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। आरडी शर्मा इज़ द बेस्ट बुक फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।